वह दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन के लिए चिकित्सक भेजेंगे कि चले जाओ ब्रजभूषण दुबे के दरवाजे, एक पीपल पाकेट बरगद है, वहां से ऑक्सीजन लेकर आओ। 7.5 साल पहले इस वृक्ष को रोपित किया गया था। पीपल आया था यहां से 25 किलोमीटर की दूरी से, एक नर्सरी से मंगाया गया था। पाकड़ और बरगद यही मिल गए थे। 7.5 साल का यह बिरवा आज विशाल रूप ले रहा है। इस पर तमाम पक्षियां आती हैं, समय समय पर फल भी लगते हैं। पीपल, पाकड़, बरगद तीनों में फल लगते हैं, पक्षियां आती हैं, मन पसंद फल ग्रहण करती हैं, तत्पश्चात यहाँ विश्राम भी करती हैं। तो कुल मिलाकर के यह उनका विश्रामालय है, एक बढ़िया गेस्ट हाउस है, भोजन का एक अच्छा स्थान है। और अब इधर देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं ने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। यह पीपल का वृक्ष है, आज शनिवार का दिन है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम च महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमस्तुते। यह वासुदेव भगवान है, मूल में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु, शाखाओं यानी टहनियों में, डालियों में महेश, भगवान शंकर का स्थान है। और पात्रे पात्रे देवानाम, एक एक पत्ते में एक एक देवता का स्थान है, ऐसे वासुदेव को प्रणाम किया गया है। शनिवार को यहाँ दीप जलाया गया है, पुष्प चढ़ाए हैं लोगों ने, धूप और अगरबत्ती का भी प्रयोग किया गया है। तो मैं देख रहा हूँ इसे, एक विशाल पीपल के वृक्ष को, यह पीपल है, इधर यह पाकड़ है, दोनों एक ही में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। और यह है बरगद, बरगद की जड़ें आएंगी, इसकी डालियों को और भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगी। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ने पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब यूं कहा जाए कि आने वाले समय में जिस प्रकार भोजन के ढाबे हैं, वाहनों के लिए ढाबे बनाए गए हैं, हवा भरने के लिए वाहनों में ढाबे हैं, जगह जगह दुकानें हैं, उसी प्रकार अब ऑक्सीजन के भी ढाबे बनाए जाएंगे। जैसे ही लोग यात्रा करेंगे 10-20 किलोमीटर पर, ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें उन ढाबों में जाकर और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, अथवा ऑक्सीजन की थैली उन्हें लटका कर जाना पड़ेगा। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में एक छोटा सा प्रयास, वैसे तो हजारों वृक्ष रोपित किए गए हैं, उन्हें संरक्षित भी किया गया है। हमारे पूज्य पिताजी यहाँ हैं, इन्होंने ही रोपित किया। हमने कहा इनसे कि एक पीपल बरगद पाकड़, जिसे हरिशंकरी कहा जाता है, लगा दिया जाए। तो पिताजी का कहना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक जाती हैं, मकान गिरा देंगी। तो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मकान का क्या मतलब। पिताजी ने इसको मान लिया और आज इस हरिशंकरी को विशाल वृक्ष के रूप में मैं आने वाले समय में देख रहा हूँ। आज हम हैं अपने गृह ग्राम यूसुफपुर में, 24 दिसंबर 2017 को। बहुत बहुत धन्यवाद।